नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राजेश गरवाल। रुख करेंगे खबरों की ओर। रक्षाबंधन का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है। वही बहनों से भाइयों की कलाई पर राखी बांधी है। राजधानी रायपुर में भी राखी का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया है। रायपुर में राखी को लेकर विभिन्न तरह के आयोजन किए गए हैं। इसी कड़ी में पल्लवी मनुदेव गोड़ा परिवार की ओर से रक्षाबंधन पर अनोखी पहल करते हुए विशेष आयोजन किया गया है। रक्षाबंधन के पवित्र पर्व को लोगों ने बड़े ही धूमधाम से मनाया। बहनों से भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर रक्षा का पर्व मनाया। राजधानी रायपुर में भी एक विशेष आयोजन किया गया, जिसमें राखी बांधकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया। रायपुर में पल्लव हर्बल के डायरेक्टर पल्लवी मनुदेवा गौड़ा परिवार की तरफ से अनूठा आयोजन किया गया। रायपुर के निजी मॉल में आयोजित कार्यक्रम में सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा अर्चना कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर पल्लवी मनुदेव गौड़ा ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। मनुदेव गौड़ा, हमारी सामाजिक संस्था विगत 25 साल से रायपुर छत्तीसगढ़ में राखी महोत्सव धामधूम से मनाते। रक्षा एक ऐसा त्योहार है कि न भाई न बहन न पति, हम कहते रक्षा माँ बेटी भी बांध सकती है, भाई भाई भी बांध सकता है, भाई बहन भी बांध सकते हैं। ये मूलभूत रक्षा का संस्कार है। आज रक्षा महोत्सव पल्लव इंडिया हर्बल यूनाइटेड ने राधा कृष्ण की थीम पे कृष्ण कन्हैया के साथ मनाने का छत्तीसगढ़ रायपुर कलर्स मॉल सुरुचि थाली में आयोजन रखा है। हम चाहते न हिंदू न मुसलमान, न सिख न ईसाई, सारा धर्म एक छत के नीचे एक होके रक्षा का महोत्सव मनाएंगे तो हमारा भारत सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद। मैं श्रीनिवास राव और मैं अखमी चंद जो दीदी के साथ हम लोग जुड़े हैं 25-30 साल से, और ये भारतीय रेल में जो कैटरिंग सर्विस थी इनकी है, और आज भी हमारे भारतीय स्टेशनों में जो टाटा नगर है और भी अगर जो पुणे स्टेशन में हमारा कैटरिंग सर्विस चलती है, मैं कैटरिंग सर्विस जुड़ा हूँ, मैं इनके साथ जुड़ा हूँ। मैं और सारे आयोजन के बारे में क्या कहें, इस आयोजन में हम लोग लास्ट 25 साल कर रहे हैं हम लोग, और हम लोग हर 10 साल से कंटिन्यू आ रहे हैं हम लोग, और बाकी हम लोग सर चाहते हैं कि हम लोग भाई बहन जो दोस्त यार सब लोग कर दीजिए ताकि अच्छा बना बनाते हैं। पिछले कई सालों से आयोजित ये कार्यक्रम निरंतर सफलता के नए आयाम गढ़ रहा है। रायपुर में हर साल रक्षाबंधन पर आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य सर्व धर्म को साथ लेकर चलना है। पल्लवी मनुदेवा गौड़ा परिवार के इस आयोजन में न सिर्फ हिंदू बल्कि हर धर्म के लोग शामिल होते हैं और रक्षाबंधन का त्यौहार धूमधाम से मनाते हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म के लोगों को राखी बांधी जाती है। पल्लवी मनुदेव गौड़ा परिवार के इस आयोजन की जानकारी जिसको भी मिली वो इस कार्यक्रम में शामिल होने रायपुर पहुंचे। यहां पहुंचकर लोगों ने राखी का त्योहार मनाया। इस आयोजन में कई सामाजिक संगठनों के लोगों ने भी हिस्सा लिया और राखी बंधवाई। साल हो गए हैं पल्लू दीदी को ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते हुए, और पिछले कुछ सालों से मैं इनके साथ जुड़ी हुई हूं, और इनके साथ जुड़ के बहन तो ये है बहुतों की, लेकिन मुझे इनके अंदर भाई भी नजर आता है, जो एक भाई की तरह हमारी रक्षा करती है, हमेशा हमारा सपोर्ट करती है, अपने यंगस्टर्स को आने वाली जनरेशन को एक मोटिवेशन देती है कुछ नया करने की और सबको साथ लेके चलने की। तो ये ऐसी चीज है जो बहुत सारे लोगों को इनके साथ जोड़े रखी है और आगे भी जोड़े रखी है। हाँ, इनका जो रक्षा करने का उद्देश्य ये है कि हम कलाई पे भाई की कलाई पे बांधते हैं। मैं आज भाभी हूँ तो मेरी कलाई पे भी ये राखी है, तो ये एक बॉन्ड है, एक विश्वास है, एक भरोसा है कि ये सामने वाले जिसकी कलाई पे हम वो धागा बांध रहे पवित्र धागा, वो हमारा सपोर्ट करेगा, हमारी रक्षा करेगा। तो ये सभी का साथ और प्यार का बंधन है। निश्चित रूप से पल्लवी पटेल जी हमेशा नए रूप में ही रक्षाबंधन का पर्व मनाती है, सर्वधर्म संभाव पर विश्वास करती है। ये धर्म, ये जो हमारा रक्षाबंधन का पर्व है, किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है, सभी धर्मों के भाई बहन की रक्षा के लिए रक्षा सूत्र बांधा जाता है, और आज के दिन संकल्प लेता है व्यक्ति कि मैं अपनी बहन की रक्षा करूंगा, उस रक्षा सूत्र के माध्यम से बहन को गारंटी देता है। तो कहीं ना कहीं ये पर्व सभी को मिलजुल के मनाना चाहिए, और सर्वधर्म संभाव वाला पर्व है, और पल्लवी जी ने वही प्रयास किया है। पल्लव हर्बल के डायरेक्टर पल्लवी मनुदेव के इस आयोजन की जितनी सराहना की जाए वो कम है। वो इसलिए क्योंकि उनके इस कार्यक्रम का उद्देश्य महज लोगों को राखी बांधकर कार्यक्रम करना नहीं, बल्कि रक्षाबंधन के पावन पर्व को विशेष बनाना है। पल्लवी की माने तो रक्षाबंधन का त्योहार सिर्फ भाई बहन के लिए नहीं, बल्कि हर कोई राखी बांध सकता है।
पल्लवी मनुदेव गौड़ा परिवार के इस आयोजन में क्या आम और क्या खास, हर कोई इस कार्यक्रम में शामिल हुए। रायपुर उत्तर के पूर्व विधायक और बीजेपी के कद्दावर नेता श्री चंद सुंदरानी सहित कई लोग इसमें शामिल हुए। कार्यक्रम में पहुंचे सुंदरानी सहित अन्य लोग इस आयोजन की जमकर सराहना कर रहे हैं। पल्लवी मनुदेव को इस कार्यक्रम को आयोजित करते हुए कई साल हो चुके हैं, ऐसे में इस कार्यक्रम में कई लोग शामिल भी हुए। इस कार्यक्रम में बच्चों से लेकर बड़ों ने राखी बंधवाई। 24 साल से ये अपना रक्षाबंधन का पर्व मना रही है। ये हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है। इनका रक्षाबंधन का मेन मकसद है सर्वधर्म सबको लेके साथ में चलती है। ये एक कड़ी है सबको जोड़ के रखने के लिए। ये रक्षाबंधन एक दूसरे से बंध के रहने का है और हर धर्म के सब धर्मों से सब जितने सब भाइयों से मिलके सिख सिंधी हो गुजराती हो मुस्लिम हो मलवाई हो सबसे साथ में लेके चलती है। इनका एक ही उद्देश्य रहता है हम लोग साथ में मिलके रहें। इनका ये हिंदू धर्म के जैसे सब स्वर सनातन धर्म का सबसे बड़ा पर्व है ये, उसी प्रकार से ये सबको मेल जोल करके साथ में चलती है। रक्षाबंधन का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया और आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पल्लवी मनुदेव गौड़ा परिवार की ओर से रक्षाबंधन पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें सर्वधर्म को राखी यहाँ पर बांधी गई। और हमारे साथ आप देख सकते हैं किस तरह से एक विशेष ये कार्यक्रम था और सभी को यहाँ पर हर वर्ग हर धर्म के लोगों को यहाँ पर राखी बांधी गई और ये विशेष आयोजन राजधानी रायपुर में किया गया और आप देख सकते हैं पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर है और हमारे साथ खुद पल्लवी जी मौजूद हैं। एक अलग प्रयास आपने किया है सर्वधर्म को लेकर, कैसे इस तरह के आयोजन का आपने सोचा, क्या कुछ इसका विशेष उद्देश्य रहा है आपका? मैं पल्लवी मनुदेव गौड़ा पल्लव इंडिया हर्बल यूनाइटेड के अंदर से मैं बताते हुए ये यूनिक प्रयास हमने आज नहीं किया है। विगत 24 साल से जब से छत्तीसगढ़ बना तब से मेरे द्वारा और हमारी टीम हमारे संगठन हमारे भाई बंधु और हमारे प्रिय छत्तीसगढ़ के नेताओं के सहकार से ये एक ऐसा रक्षा महोत्सव हम प्लान करते हैं विगत 24 साल से कि सर्वधर्म संभावना एक रहे। इसमें ना हिंदू ना मुसलमान ना सिख ना ईसाई, हम सब भारतीय एक ही छत के नीचे भोजन लेते हैं। भारतीय भोजन शुद्ध वातावरण में प्यार की जरूरत है और आप सब जानते ही हैं कि विगत 2-3-4 इस हफ्ते में एक बालिका के साथ जो हुआ इसको देखते हुए हमें 365 दिन रक्षा की जरूरत है। हम चाहते हैं कि आप मीडिया हमारे सर्वधर्म संभावना एक रहते हुए सब लोग मिलके अगर एक छत के नीचे न मात्र भाई बहन पति पत्नी माँ बेटी बहन बहन सहेली भाई भाई आकाश भाई मानेंगे हमारी बात को। आज हमारे साथ जुड़े हुए आकाश तिवारी जी जो कि छत्तीसगढ़ के काफी वेल नोन समाज सेवक सक्रिय नेता एवं पार्षद के मेंबर भाई श्री श्रीनिवास जी तिवारी जी गुलशन जी अरु मुच्छु भैया मैडम, तो हमारा कहना हमने आज विगत 250 लोगों ने एक छत के नीचे सर्वधर्म एक की भावना के साथ रक्षा महोत्सव मनाया। उसके लिए हम साधना न्यूज एवं IBC न्यूज एवं समग्र 36 मीडिया का एवं पुलिस विभाग का स्पेशल धन्यवाद मानते हैं। हम सब नसीब वाले हैं कि हमारे नेता भाईगण हमेशा हमें आशीर्वाद देते हैं और छत्तीसगढ़ की बहनों को सुरक्षित बना के लेते हुए चलते हैं। अस्तु धन्यवाद। हमारे साथ आकाश तिवारी मौजूद हैं, युवा नेता हैं पार्षद हैं। आकाश जी, एक अच्छी पहल पल्लवी देव मनु गौड़ा की ओर से की गई है, किस तरह से देखते हैं इसको? मैं पल्लवी बहन को पिछले विगत 5-10 वर्षों से जानता हूँ और प्रतिवर्ष इस त्यौहार को एक उत्सव की तरह मनाती हैं और उनका जो संबंध है सभी लोगों से, चाहे वो व्यापारी हो चाहे वो पब्लिशर हो चाहे पॉलिटिशियन हो, सब लोगों को समायोजित करके इस कार्यक्रम को आयोजित करती हैं और सभी लोग यहाँ पर आते हैं और इनका बड़प्पन और इनका प्रेम देखिए, अपने से छोटों को प्यार देती हैं और अपने छोटों को आशीर्वाद रखती हैं, ये इनका बड़प्पन है और सभी लोगों को बहुत स्नेह और प्रेम के साथ बुलाकर रक्षाबंधन का त्यौहार प्रतिवर्ष मनाती हैं। इसके लिए मैं इनका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि हम जैसे छोटे भाइयों के हाथ में अपना सर पर अपना हाथ रखते हैं। सर्वधर्म संभव को लेकर ये प्रयास हो रहा है कि सभी धर्म सभी वर्गों के लोगों को राखी बांधी जाए, इसको लेकर क्या कहें? देखिए, जो आपका व्यक्तित्व होता है ना वो आपके कर्मों से लोगों को नजर आता है, आपका काम करने से आपको पता चलेगा कि उस आदमी की सोच कैसी है। तो इनका देखिए, इनका काम देखिए, ये आज फेस्टिवल मनानी रक्षाबंधन का, लेकिन इसमें इन्होंने सभी को समायोजित किया है
कोई जाति न कोई धर्म, इनके लिए रक्षा सूत्र ही सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी भाइयों को बुलाया है। तो इससे पता चलता है कि अनेकता में एकता और भारत की शक्ति एकता में। ठीक है पल्लवी जी, एक आखिरी सवाल, भाइयों और बहनों से क्या अपील करेंगी इस रक्षाबंधन? जी क्या पूछ, पूरे देश के भाइयों से बहनों से क्या अपील करेंगी इस रक्षाबंधन? इस रक्षाबंधन में मैं कहूंगी कि न कि सिर्फ रक्षाबंधन, 365 दिन हमारे भाई लोग, जैसे गुलशन भाई जी है, इंदिरा भाई है, आसिफ भाई है, आशु भाई है, हम सब भाई सर्वधर्म के भाई, अपनी एक पत्नी को छोड़ के अपने पति को छोड़ के पति पत्नी भी रक्षा का सूत्र बांध सकते, ये मेरा अंगत निजी सोच है। और मैं आगे भी कहूंगी कि अगर रक्षा में हम भाई बहन एक छत के नीचे आजू बाजू रहे, पहले की जो पूर्ण व्यवस्था थी हमारे बुजुर्गों के जमाने की, अगर हम सब धर्म और आर्थिक भेदभाव को छोड़ दे और एक समग्र ऐसी कॉलोनी बसाए छत्तीसगढ़ में, संपूर्ण भारत में, जहाँ भाई बहन अपने अपने आर्थिक समन्वय को तोड़ के एक रूप से अगर रहने लगे, तो किसी के माई के लाल की ताकत नहीं है कि हमारे साथ वो दुर्घटना घटे, हमारी चोरी हो, हमारा शारीरिक नुकसान हो या आर्थिक नुकसान हो। तो एक लाइन में आज की रक्षाबंधन को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि सभी भाई बहन एक छत के नीचे आजू बाजू में रहे, उसी में हमारी भलाई है। अस्तु, हैप्पी रक्षाबंधन 2024। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये एक विशेष आयोजन राजधानी रायपुर में किया गया, जहाँ पर एक अलग उदाहरण पल्लवी मनु देवगौड़ा की ओर से प्रस्तुत किया, और यहाँ पर हर वर्ग के लोग आए, बड़ी संख्या में लोग आए जिनको ये राखी बांधी गई, और रक्षाबंधन को जो त्योहार है उसका उत्सव मनाया गया। रक्षाबंधन का पावन पर्व पर लोगों ने बड़े ही उत्साह के साथ तो मनाया ही है, साथ ही रायपुर में पल्लवी मनु देवगौड़ा परिवार के विशेष आयोजन में बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। जो भी इस कार्यक्रम में शामिल हुआ उसने इस कार्यक्रम की जमकर सराहना की है। कार्यक्रम के आयोजन करते हुए कई साल हो चुके हैं, ऐसे में अब इस आयोजन की चर्चा हर तरफ होने लगी है। जिस उद्देश्य को लेकर पल्लवी मनु देव इस कार्यक्रम को आयोजित करती है वो अपने उद्देश्य में सफल होती हुई नजर आ रही है। बहरहाल इस आयोजन की जितनी सराहना की जाए वो कम है।